इसके ऑर्गेनाइजर सुरम्या बृंदा कारात जॉन दयाल जी और जो यहाँ पे दूसरे जो साथी आए हैं और ख़ास तौर पे गुड़गांव से चल के आई हुई हमारी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं एडवा की तरफ से ये जो नॉर्वे की और जो विकसित जो देश हैं वहाँ की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी जिस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है उनकी निंदा करती हूँ और ये मांग करती हूँ कि उन कानूनों के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए। देखिए, अपने रोजी रोटी की वजह से गरीब देशों से जो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको प्रोटेक्शन के नाम पे उनके बच्चों को छीनना, उनको महरूम करना अपने माँ बाप के साये से, ये बहुत ही बड़ा एक अपराध है। और ये हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि ये कौन सी रिसर्च ने ये सिद्ध किया है कि जो विकसित जो देश है जो दावे करते हैं कि वो विकसित है वहाँ के बच्चों की देखभाल और जो विकासशील देश जो बच्चे हैं उनसे बेहतर वो देखभाल कर रहे हैं और वो उनसे कोई अच्छे नागरिक बना रहे हैं, ये कौन सी रिसर्च ने ऐसा बताया है, ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। और ये तो वो बात होगी कि भाई हमारा खून खून और आपका खून पानी, मतलब हमारे जो अभिभावक तो है, हमारा जो ममतव है वो तो एक मतलब सब बेचीज है और आपका जो है वो तो बस ऐसे ही गरीबों का मतलब कैसा है। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता साथियों। और हम उनसे कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो माए हैं और हम खुद बच्चे भी रहे और आज माए भी हैं और हम देखते हैं हमारे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान कब होते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान उस समय पे होते हैं कि वो अपने माँ बाप के दुलार के साथ घूम रहे और उनको कोई खिलौना पसंद आ गया और वो खिलौना वो माँ बाप की रीत से बाहर है, वो उसकी जेब के मतलब रीत से बाहर है, वो उसको दिलवा नहीं सकता। तो उस समय पे वो जो अभिभावक है, वो जो आक्रोश है एक तरह की उनकी जो बेबसी है, उस समय पे वो उन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा गुस्से में पेश आते हैं एक तरह से। हम क्या नहीं जानते इस बात को, हम उनको चुनौती देते हैं कि अगर इतना ममता है इतना प्यार है तो दे दो दुनिया भर के बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने, दिए जाए उनको। और इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे प्रेम विवाह नहीं होते, ट्रेडिशनल मैरिज होती है, उन परिवारों के अंदर अनलविंग जो है वो वातावरण होता है और इसकी वजह से बच्चों का जो है उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा की खाप पंचायतें जो है खाप पंचायतों को आके समझाइए, उनको बताइए कि लव मैरिज और दूसरा ट्रेडिशनल मैरिज में क्या है। आमने सामने तो हो एक बार ये जो सारे जो लोग हैं, हम तो बीच में फंस गए, हम जो नागरिक है हम बीच में फंस गए। इधर से अगर अपनी पसंद से शादी करें तो ये तालिबानी ताकते अलग अलग जगहों के ऊपर जो हमारे खून के प्यासे हो जाते हैं और उधर से ये जो सो कॉल्ड सभ्य लोग जो दावे करते हैं सभ्य होने के, उनके जो अत्याचार और उत्पीड़न जो है, तो ये जो आम जो नागरिक है इन देशों के जो किसी तरह से कमा के खा के अपने गरिमा पूर्ण अपने परिवारों को पालना चाहते हैं, वो कहाँ जाए, उनके उनके मानव अधिकारों का क्या हो मतलब ऐसा। तो हम ये मांग करते हैं आज के दिन कि हमारे जो मानव अधिकार हैं वो मानव अधिकार हर तरह से हम मतलब जो भी हमारा अभिभावक तो है उसके तहत हम सुनिश्चित करते हैं। और किसी भी बच्चे के लिए मतलब उसके मतलब माँ बाप से उसको दूर करना मतलब इससे ज्यादा उसका बड़ा शोषण कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो जिस तरह की सुरक्षा एजेंसी वहाँ की प्रोटेक्शन एजेंसी जो सुरक्षा के नाम पर ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करी हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जाए और ये जो मतलब तमाम विकसित होने का दावा करने वाले सभ्य होने का दावा करने वाले जो देश हैं वो जरा दूसरे देशों के लोगों की जो हालात है उनको समझें और मानवीय तरीके से पेश आए एक दूसरे के प्रति, ये हम मांग करते हैं। और जो भी आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया है इसके माध्यम से हम ये अपनी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे उन देशों तक भी। धन्यवाद।